अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक ये होने वाला है कि मैं आज आपको अपने घर की दोबाज कबूतर की नस्ल बताने आ रहा हूँ। क्या कैसे मैंने मेरे घर की दोबाज कबूतर की नस्ल बनाया और कैसे उनको आगे लेके चल रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं अभी सारे कबूतर बंद है मेरे। तो दोस्तों मैं आपको एक एक कबूतर छोड़ के भी दिखाऊंगा सारे कुछ बाहर कि कैसी नस्ल बनाया और कैसे जोड़ा लगाया कबूतर का मैंने, और सबसे पहला कबूतर कौन सा है जिससे मैंने दोबाज कबूतर की नस्ल बनाना शुरू करा। तो सारा कुछ वीडियो में रहेगा, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और दोस्तों ये मेरे कबूतरों में सबसे ज़्यादा हाई फ्लायर कबूतर का जोड़ा है, इसलिए मैं मेरे दोबाज कबूतर की नस्ल बना रहा था, बाकी कबूतर की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। और भी दो तीन जोड़े हैं जिनका शौक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, जो कि मेरे घर के हाई फ्लायर है, उनके मैं बहुत सारे बच्चे निकाल चुका हूँ। तो अभी पहले हम दोबाज कबूतर पर आते। दोस्तों ये पेटी में रखा है दोबाज कबूतर का जोड़ा, तो पहले मैं आपको इसका शौक करा था, फिर इसके बच्चे कैसे बने, और इसमें जो नर कबूतर है उसका बाप कौन सा है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले आप जोड़े को शौक करिए। तो दोस्तों ये नर कबूतर है, इसकी आँख का शौक करिए आप। इधर भी काले सफेद पर में दोस्तों, तो ये कुछ इसके पंजे हैं। दोस्तों ये मेरे घर पे उड़ा हुआ है, और ये आज का उड़ा हुआ दूसरे दिन भी आया कबूतर। और ये कबूतर अगर सुबह उड़ा है तो 12-12 एक एक बजे तक की अच्छी उड़ान देता कबूतर ये, मतलब पहले दूसरे फड़क में। अगर इसको और अच्छा उड़ाए तो 3-3, 4-4 बजे तक की उड़ेगा कबूतर ये। तो दोस्तों ये नर कबूतर है, देख सकते हैं आप काफ़ी लंबा चौड़ा कबूतर है। अब दोस्तों मैं इसकी मादी का आपको शौक करा था, तो दोस्तों मादी बहुत ज़्यादा लाजवाब है। देखिए आप इसकी आँख का शौक करिए सबसे पहले। आप एक तरफ की आँख इसकी सफ़ेद है, और दूसरी साइड की दोस्तों आँख इसकी काली है। देखिए आप दोस्तों इसकी पर का शौक करिए आप, 10-10, 12-12 पर इसके सफ़ेद है, और ये भी बहुत अच्छी उड़ान की कबूतरी है, इसलिए हम इसी के बच्चे ले रहे हैं। ये मादी मैंने खरीद के ले गया था आपको, जैसे कि मालूम वीडियो बताया था मैंने। और ये कुछ इधर के इसके पर है दोस्तों, ऐसी कुछ इसकी धूम है, और ऐसे कुछ इसके पंजे है। दोस्तों इसको छोड़ देते क्योंकि कबूतर बहुत ज़्यादा बुरा मान रहा हाथ में रुकने से। ये मादी है और वो नर है, देखिए दोस्तों ये मादी है और ये नर है दोबाज। तो ये 100% जोड़ा लगा है मेरे, हड्डी धूम जोड़ वगैरह सब देख के हमने इसका जोड़ा लगाया कबूतर का। और दोस्तों इनकी घर वापसी गारंटी 100% है, इनके बच्चों की भी, इसलिए मैं इसी के बच्चे निकालता। अब दोस्तों जो इनके बच्चे हुए उनके बच्चों का मैं आपको शौक करा था, जो पहली बार के बच्चे हुए। तो दोस्तों ये जो दोबाज कबूतर है ये इसकी पहली बार की पट्टी है, इसकी आँख का शौक कर लो आप। और दोस्तों ये देखिए जान लगा रही हाथ से निकलने के लिए, और इसके पर मैंने कैच करके रखा हूँ क्योंकि इन कबूतर को मुझे सीजन में उड़ाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनने अच्छी उड़ान दी थी पहले दूसरे कली के थे जब ये पट्टे, तो इसको मैं आपको छोड़ के दिखाता अभी। तो ये पहली बार की पट्टी निकली इनकी दोबाज की, ये पट्टी है दोस्तों पहली बार की दोबाज की। अब दोस्तों जो इसके बाद इनका जो नर पट्टा निकला, जो कि मैंने उसी के साथ में लगाया, उसी मादी के साथ में एक झोल निकाल के दूसरे झोल का जो पट्टा निकला वो मैंने इस मादी के साथ में लगाया, तो वो पट्टा आपको दिखाता अभी मैं। तो दोस्तों ऐसी कुछ मैं घर की नस्ल तैयार करा, दो नस्ल तैयार होगी ऐसी मेरे घर पे। तो दोस्तों ये नर पट्टा है दोबाज, और ये सफ़ेद धुमका का कबूतर है, क्योंकि जो इसकी माँ है इसकी माँ की एक धूम सफ़ेद थी, तो इसलिए इसे सफ़ेद धूम लेके आया। दोस्तों इसके पर अभी आपको थोड़े ख़राब दिख रहे होंगे, बहुत बड़े पल्ले का कबूतर है और बहुत जान लगा रहा हाथ से निकलने के लिए। देखिए दोस्तों कैसा कर रहा है, ऐसी धूम है दोस्तों इसकी कुछ। ये है दोस्तों तिर्रा दोबाज, ये एक नस्ल है दोस्तों मेरे यहाँ दोबाज की, और वो एक दोबाज का जोड़ा बना के उसकी नस्ल बना लिया। अब बारी रही थी इन दोनों के बच्चों की, जो कि दोस्तों टाके के अंदर में है, तो उनका एक बच्चा है जो अभी मैंने घर के पट्टों का पट्टा का जोड़ा बनाया, तो उनका एक बच्चा निकला, वो बच्चा मैं आपको दिखाना चाहता, जो कि इनका बच्चा है घर के पट्टों का। जो दोस्तों आपने अभी सफ़ेद धूम का नर देखे
ये उसका पट्टा है जो कि मैं उसके पास नहीं पलवा रहा, किसी और के पास पलवा रहा। इसके पहले आपने ब्रीडिंग प्रोग्रेस की वीडियो में देखे भी होंगे, दो बार पट्टा है। अभी छोटा सा पट्टा एकदम, सर के ऊपर टोपी है, नीचे में दाढ़ी है, सफेद चोंच का कबूतर है, काली आँख में है दोस्तों, ऐसे कुछ इसके पर है। प्योर दोबाज कबूतर है दोस्तों, ये सफ़ेद धुमका कबूतर है, देख सकते हैं आप, ये प्योर सफ़ेद धुमका है। जो इसका बाप है उसकी साइड की एक एक कली या दो दो कली काली है, मगर ये देखिए आप प्योर सफ़ेद धुमका दोबाज कबूतर है और घर की नस्ल है। और ये बच्चा अभी से उड़ता है दोस्तों, पास के ऊपर जाके बैठता है, तो इसको मैं आपको छोड़ के दिखाता। ये दो बात घर का पट्टा है, मतलब ये पूरे घर के कबूतर है। अब दोस्तों ये जो बड़े वाले दो बात कबूतर है मेरे घर के, इनने फिर से अंडे दिए थे, तो इनके अंडे में से बच्चे निकले। चोको शॉक करा था आपको भी मैं। तो दोस्तों ये है दो बात मेन दो बात कबूतर के बच्चे, देखिए आप सफेद चोच में आए और आग से ऐसे साफ करके सफेद लेके आ जाएंगे जाता कि। और इधर के देखिए तीन तीन पर सफ़ेद है। तो ये बड़े दोबाज कबूतर के बच्चे हैं हमारे घर के। अभी वो छोटे से देख सकते हैं आप, ये नस्लधारा कबूतर के बच्चे हैं, इसलिए देख सकते हैं आप इनकी खड़ान किस तरह की, एकदम अलग कबूतर की जैसी खड़ान है। तो दोस्तों ये मेरे घर की दोबाज कबूतर की नस्ल है, नीले दोबाज की, हरे दोबाज की। अब दोस्तों एक जो बच्चा है दोबाज कबूतर का, जो कि बड़े दोबाज का है हमारे, तो उसका बच्चे का मैं आपको शौक कराता, एकदम छोटा सा बच्चा है वो अभी, क्योंकि दोस्तों मैं सिर्फ ये दोबाज कबूतर की नस्ल ही घर पे लेके चल रहा हूँ, और भी है तो उनका मैं शौक आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। दोस्तों देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा है, और ये भी अभी से इसके 10-10 पर देख सकते हैं आप सफ़ेद है, दोबाज कबूतर का बच्चा है ये। ये सब दोबाज ही है दोस्तों, और ये भी दोबाज का जो बच्चा है। तो दोस्तों अब मैं आपको मेन कबूतर बताने जा रहा हूँ जिससे ये दोबाज कबूतर बनाए मेरे घर का। ये दोबाज कबूतर किस कबूतर से बनाए और कौन सा इसका बाप है, मुँह में आपको दिखाता अभी। तो दोस्तों आप देख के हैरान हो जाएंगे कि किस कबूतर से बनाए दोबाज कबूतर। तो दोस्तों ये है चीना कबूतर, इसकी आँख का शौक करिए, चोंच का शौक करिए। दोस्तों एक अच्छा ब्लड और एक अच्छी ब्लड लाइन और एक अच्छी नस्ल से दोस्तों नस्ल बनती है कबूतर की। तो दोस्तों मैंने यही चीज़ को फॉलो करा, देखिए आप काले सफ़ेद कर का पर का कबूतर है ये। और दोस्तों इसके पैर के अंदर मैंने कड़ी भी डाल के रखा, ऐसे कुछ पंजे इसके। अब दोस्तों इसकी जो मादी थी वो मादी हमारे पास मर चुकी है, तो मादी का मैं आपको शौक नहीं करा सकता। अभी मैंने इसको दूसरी मादी लगाया हूँ, तो हो सकता है इन दोबाज कबूतर में एक हाथ बच्चा इसके जैसा भी आ जाए, क्योंकि दोस्तों नस्ल पिछों का मारती है। इसी इनके ये कबूतर का बच्चा वो है दोस्तों दोबाज, इसकी उड़ान के बारे में। दोस्तों ये मेरे घर का कबूतर जब एक बार उड़ा था, तो दोस्तों दूसरे दिन बारिश में आया था ये कबूतर, इसने इतनी उड़ान दी थी, और दोस्तों किसी घर पे कबूतर बैठ नहीं रहा था। तो ये सब दोस्तों मेरे घर के कबूतर हैं, और इनकी याददाश्त बहुत ज़्यादा पक्की है दोस्तों कबूतर की। ये चीनी कबूतर का बच्चा दोस्तों दोबाज है। अब इनका एक हाथ बच्चा निकलेगा शायद, तो वो भी शायद से चीना निकल सकता, क्योंकि नस्ल पीछों का मारती, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। तो यही थी दोस्तों मेरे घर की दोबाज कबूतर की नस्ल, पूरी एक ही ब्लड लाइन है। अभी और नस्ल बनाऊंगा दोस्तों मैं इनकी, क्योंकि दोस्तों सीजन में उड़ाने के लिए मुझे इन्हीं दोबाज कबूतर के बच्चे चाहिए, क्योंकि मुझे इन पर भरोसा है दोस्तों बहुत ज़्यादा। दोस्तों काफ़ी सारे भाई मुझे कमेंट करते रहते हैं, भाई आप सिर्फ कबूतर ही पकड़ते रहते हैं, सिर्फ आप चिड़ी मारी करते रहते हैं। तो देख लो दोस्तों आँखें खोल के, क्या दोस्तों मैं नस्ल भी बनाता हूँ, जो कबूतर की मुझे नस्ल बनाए ना, तो वो कबूतर की नस्ल भी बनाता हूँ मैं, क्योंकि मुझे कबूतर उड़ाने का भी शौक है। अब जो कबूतर गलती से आगे छत के ऊपर घूमता है, तो उसके दोस्तों हम छेड़ लगाते हैं, तो वो आज के बट्टा है, इसलिए दोस्तों लोग गलत गलत कमेंट करते हैं। तो दोस्तों आप भी अपने घर पर अच्छी नस्ल बनाइए। तो ऐसी कुछ थी हमारे घर की दोबाज कबूतर की नस्ल। अब दोस्तों जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके ऊपर दोस्तों मैं अपने घर की कलसरी कबूतर की नस्ल बनाऊंगा, कैसी मेरे घर की कलसरी कबूतर की नस्ल चल रही है। तो दोस्तों
आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताना कि आपको हमारे घर की दोबाज कबूतर की नस्ल कैसी लगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कबूतर से रिलेटेड आपको कोई परेशानी हुई तो मुझे कमेंट करें। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप चाहते मुझे फॉलो कर सकते, क्योंकि कबूतर से रिलेटेड सारी पोस्ट मैं आप करते रहता। थैंक यू दोस्तों।